हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बोर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है आपके लेंस मे का फॉर्मूला। लेंस मे का फॉर्मूला के लिए मैंने पहले ही, आप देख सकते हो कि मैंने एक जो डायग्राम ड्रॉ किया है आपके लिए, ये एक लेंस है जिसमें मैंने ए पी वन बी और दूसरी तरफ के सरफेस ए पी टू बी, इस तरह के एक सरफेस को मैंने आपको सामने में दिखाया है। और इसी सरफेस के दो पार्ट्स मैंने यहाँ पे किए हैं सामने में, बिल्कुल ये ए पी वन बी जो कि इसका लेफ्ट पोर्शन है लेंस का, और लेंस का राइट पोर्शन जो है वो है ए पी टू बी। जैसा कि आपको पता है कि लेंस मे का फॉर्मूला एक अच्छे टॉपिक में से एक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा कि कैसे इसे बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हो। मैं एक एक पार्ट्स को इसलिए आपके सामने ड्रॉ भी करता चला जाऊंगा, तो आप ध्यान रखना और इसी तरह से आप पेपर में भी करोगे। इस जगह पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ओ से लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट से जो रे इंसिडेंट होती है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, इस लेंस के लेफ्ट साइड के ए पी वन बी सरफेस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो ये है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये जो हमारे पास ये रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये जो है ये आपका रेयरर मीडियम है, और इस तरफ जो होगा आपका डेंसर मीडियम, म्यू टू मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। और जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जाएगा, तो आप पहले आप इसमें नॉर्मल ड्रॉ करके देखो। इस जगह पे ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरे कलर से। इस पॉइंट पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा नॉर्मल, एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रेयर से डेंसर में आपको पता है कि ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रे आपके नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो इसकी जो इमेज बनेगी इसी तरफ, इस पोजीशन पे इसकी इमेज बन रही है। तो ये चूंकि एक ही सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन के से इमेज बन रही है, इसलिए मैं इसको अभी I1 वन मान रहा हूं। और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस को मैं इसके मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को मैं V1 ले रहा हूं। और ये एरो मार्क जरूर दें आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करें, तो एरो मार्क के बिना आप नहीं ड्रॉ कर सकते। सेम चीज मैं इसमें भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि यही सेम काम मैंने यहां पे भी किया है कि ऑब्जेक्ट से रे को लिया, इस तरह से मैंने दिखाया यहां पे, ये इस तरह से इंटर करता हुआ एरो मार्क, और हल्का सा नॉर्मल जैसा कि मैंने यहां पे आपको पहले से ही दिखा दिया है, हल्का सा यहाँ पे बेंड कर देता हूँ मैं रे को। और दूसरी तरफ जब ये रे जाएगी तो इस तरह से इसकी फाइनल इमेज जो है रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है। और इसको मैं, इस इमेज को मैं आई वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसकी डिस्टेंस जो है आप देख सकते हो कि इसकी डिस्टेंस V1 से मैंने दिखाया वहां पे, तो सेम डिस्टेंस मैं V1 से यहां पे भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा एरो मार्क आपको दिखाना ही है, उसी तरह से जब ये दूसरे टॉपिक पे जब आप आओगे, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को आप देखोगे, तो दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इसके लिए विजिबल पोर्शन ये है, इसके लिए रे इस तरह से आ रही है, क्योंकि ये जो ए पी टू बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजिशन ओ दिखाई नहीं दे रही, इसे ये वाला पोर्शन यहां से आपको ये टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और जब इस जगह पे ये आ रहा है, तो
फिर से आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जैसा कि मैंने दूसरे बार फिर से नॉर्मल जो ग्रीन कलर मैंने लेके नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो इस तरफ भी मैं नॉर्मल इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ इस कर्व सरफेस पे, और इस नॉर्मल को भी मैं दूसरे नाम से एन वन और एन टू मैं ले लेता हूँ। इसमें मैंने एन वन दिखा दिया मान लो आपको, और ये नॉर्मल है आपका एन टू, ठीक है। तो जो रे बेंड होगी वहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि फिर से ये मीडियम चेंज हो रहा है इसका, है ना, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल दैट मीन्स ये इस तरह से इस तरफ बेंड हो जाएगी, और फाइनल इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। इसको मैं आई से लिख रहा हूँ, और फाइनल इमेज को मैं दिखा रहा हूँ इसके मिड पॉइंट से आई तक वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसी चीज को मैं अपने जो मेन डायग्राम है उसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा, और वो आप देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको कि इसकी जो बेंडिंग है इस जगह से ये इमेज यहाँ पे बन रही है इसकी, और इसकी जो पोजीशन है लेंस से वो है आपकी वी की। और फाइनल इमेज में भी आपको रे, तो रे की डायरेक्शन दिखानी ही है, तो आप दिखा सकते हो ये रे की डायरेक्शन, और ये हो गया आपका आई फाइनल इमेज। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप यू से दिखाओगे, ये हो गया आपका यू, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया है और उस ड्रॉ किए हुए डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर चीज दिखा देता हूं। एक चीज ये जो है ये आपकी डॉटेड लाइन से जाएगी, मैं इसी पे आपको दिखा रहा हूं, ये जो लाइन आपकी जाएगी ये डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि फाइनल इमेज ये नहीं है, फाइनल इमेज ये है, तो इसको डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के थ्रू सरफेस के कारण ये वी वन हो रहा है, और ये फाइनल इमेज हो रही है वी टू। और मैं यहाँ पे जो मीडियम है, अब इस समय यहाँ से जैसे कि ऑब्जेक्ट म्यू वन से म्यू टू में गया था, अब फिर ऑब्जेक्ट म्यू टू से म्यू वन में जा रहा है, तो इसमें भी मैं म्यू वन इस पोर्शन के लिए म्यू वन राउंड शेप में डाल रहा हूँ, ये म्यू टू जो टेंशन मीडियम के लिए है, और फिर म्यू वन, ठीक है। अब मैं आपके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब रेयर से डेंसर में ऑब्जेक्ट की रे पास होगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला मैं इसके साथ ही यहां पे लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला होगा म्यू टू बाय वी, तो वी इसके लिए जो वी है वो वी वन है, माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, अगर ये आर वन है तो आर वन ले लोगे। इस तरह से एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाती है, जो कि इसके लिए है। अब आप ये कब था, जब रे म्यू वन से म्यू टू में जा रही थी, जब रे म्यू टू से फिर म्यू वन में आ रही है, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा, सिर्फ आप इसके ऊपर के म्यू टू को सबको चेंज कर दो। अगर ये म्यू टू है, चूंकि फाइनल इमेज कहां बन रही है वी पे, तो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूं, म्यू टू की जगह पे मैं म्यू वन लिख देता हूं, और म्यू वन की जगह पे म्यू टू। और इसके लिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ये वाला पोजिशन था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट दैट मीन्स V1 था ये इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे आपने क्या लिखा है U, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे V1, क्योंकि इसके लिए इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये V1 है, और ये इमेज कहां बन रही है तो V पे, तो म्यू वन बाय V इक्वल टू,
अब देखो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये आप लिखोगे म्यू वन माइनस म्यू टू बाय, और अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ देखी जाए, अगर ये आर टू है तो मैं आर टू कंसिडर कर रहा हूं, तो आपके पास दो इक्वेशन आ रहे हैं, इक्वेशन वन ये वाला, इक्वेशन टू ये वाला, और इसी दोनों को अगर ये वाले पोर्शन ए पी वन बी और ए पी टू बी इसको कंबाइन किया जाता है तो एक पूरा का पूरा लेंस बनता है, तो क्यों ना इस दोनों इक्वेशन को भी मैं ऐड कर दूं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस दोनों इक्वेशन को मैं कैसे ऐड कर रहा हूं। पहला इक्वेशन आपके पास था म्यू टू बाय वी वन माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन, ये पहला इक्वेशन था। वहीं दूसरा इक्वेशन आपका था म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी वन इक्वल टू, यहां पे आपने लिखा था म्यू वन माइनस म्यू टू, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और इसको फिर से म्यू टू माइनस म्यू वन लिख दे रहा हूं, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये सेम इस तरह के चीजों में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था आर टू। आ गया दोनों इक्वेशन, अब बहुत ही सिंपल है क्योंकि दोनों को ऐड करना है आपको। आप देखो कि यहां पे दो चीजें कॉमन आ रही हैं और उसको अब मुझे कैंसिल करना है, क्योंकि यहां पे मैं देख सकता हूं कि म्यू टू बाय वी वन माइनस में और म्यू टू बाय वी वन प्लस में ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया म्यू वन बाय वी म्यू वन बाय यू इक्वल टू, इस दोनों में से म्यू टू माइनस म्यू वन मैं कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास टर्म आएगा वन बाय आर वन यस माइनस वन बाय आर टू। म्यू वन भी आप इससे कॉमन ले सकते हो, तो म्यू वन मैंने कॉमन ले लिया, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। फिर इस म्यू वन को अगर आप इस तरफ लाके डिवाइड करते हो तो आपको ये भी पता है कि वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू क्या होता है, जी हाँ वन बाय एफ। अब इसको म्यू टू बाय म्यू वन कर दो, माइनस जब करोगे म्यू टू बाय म्यू वन बाय म्यू वन तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, और फिर ये आपका वही सेम चीज वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब ये फाइनल जो आप लिखोगे इसके लिए फॉर्मूले को, वन बाय एफ इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, तो म्यू टू बाय म्यू वन जो है वो म्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो म्यू माइनस वन यहां पे मैं लिख देता हूं म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू म्यू, इसको आपने यूज किया है, ठीक है, और ये फॉर्मूला आ गया आपका वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाता है, इस पे नॉमिनल्स बोर्ड में आते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिस तरह से मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला बताया उसी तरह से सेम वे से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का भी प्रूफ होता है, तो मैं इसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके दोनों ही चीजें एक जैसी लगे और आपके लिए कन्वीनियंट हो कि आप एक चीजों को समझ के दो चीजों की यूटिलाइज कर पाओ आपके अपने पेपर में, ताकि अगर आपको मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का फॉर्मेट एक ही है और एक ही तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए अब मैं दूसरे टॉपिक को मैं अपने इसमें दिखाता हूँ, तो इसको आप करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार या दो बार, ज्यादा इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है ये जो मैंने आपको समझाया है। ओके थैंक यू।